हे गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, हम आ चुके हैं एशिया के सबसे फेमस गांव, सबसे बड़ा गांव गहमर में है एक कामाख्या मंदिर। उस कामाख्या मंदिर को घूमने के लिए आ चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो मेरे पीछे है ये कामाख्या मंदिर का मेन गेट द्वार है। तो यहाँ का मानना ये भी है कि कामाख्या धाम को यूपी और बिहार वालों के लिए कुल देवी का रूप दिया गया है। तो यहाँ के जो भी हैं यूपी बिहार वाले लोग इनके अपना कुल देवता मानते हैं। तो चलिए हम लोग इस कामाख्या धाम को घूमते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं कामाख्या धाम के गेट से इंटर होकर कामाख्या धाम पर, और कामाख्या धाम जाकर हम आपको दिखाते हैं कि कामाख्या जी का मंदिर क्यों फेमस है और किस लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस, हम आ चुके हैं कामाख्या धाम मंदिर पे, और यहाँ आप लोग देख सकते हो पीछे कि कामाख्या जी का मंदिर है। तो इसे यूपी बिहार वालों को कुल देवी मानते हैं अपना। ये गहमर का बहुत फेमस मंदिर है। तो चलते हैं इसके अंदर और जाकर देखते हैं कि कैसा है। हम जा रहे हैं कामाख्या मंदिर के अंदर और जाके बताते हैं कि आप लोगों को कि यह मंदिर कैसा है। तो हम अंदर मंदिर के गेट से प्रवेश हो चुके हैं और प्रवेश होकर हम जा रहे हैं और अंदर जाके आप लोग को बताते हैं कि ये मंदिर कैसा है और दिखने में कैसा है, क्योंकि ये एशिया का सबसे फेमस गांव, जो सबसे बड़ा गांव है गहमर, गहमर में ये मंदिर है और एशिया का सबसे बड़ा गांव है गहमर, उस गांव में ये मंदिर है। तो आप लोग मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिए कुछ नया देखने और सीखने के लिए। तो चलते हैं इस मंदिर को विजिट करते हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि मंदिर के अंदर जैसे ही मैं प्रवेश किया तो यहाँ पे एक छोटा सा दरवाज़ा बनाया गया है। इधर पे कुछ पहाड़ जैसे और झंडे लगाए हुए हैं। यहाँ डिज़ाइन की स्ट्रक्चर किया गया है। यहाँ पे पूजा भी होती है। यहाँ पे कुछ लोग खड़े होकर अपना सेल्फी भी ले रहे हैं। गाइस, हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तलाश में। मंदिर, इसमें मेन मंदिर कौन सा है मालूम नहीं। आप लोग देख सकते हो कि इधर तरबूज बिक रहे हैं, इधर पब्लिक का जमावड़ा लगा हुआ है और इधर कुछ लकड़ी के स्ट्रक्चर का डिजाइन किया गया है। घंटा भी टंगा है। ये पिछला दरवाजा है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि कामाख्या धाम का मंदिर जो है कुछ इस तरह का डिजाइन स्ट्रक्चर है। तो हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस, हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, जो मेन मंदिर का गेट है ये सामने है। तो गाइस, ये अंदर से आने का पिछला दरवाज़ा है और हम अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि मैं मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाला हूँ। ये है उसका मेन गेट। तो गाइस, हम लोग अपना जूता चप्पल निकाल के तो मंदिर के ऊपर जाएंगे। तो गाइस, मैं मंदिर के अंदर प्रवेश होने जा रहा हूँ और प्रवेश होकर आप लोग को दिखाता हूँ कि इस मंदिर की क्या खास बातें हैं। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। गर्मी का दिन है गाइस, बहुत पैरों में जलन हो रही है। गाइस, आप लोग देख सकते हो कि मंदिर के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर और व्यू है। आज जो है मंदिर का मेन कपाट द्वार बंद है, तो इसलिए जो भी श्रद्धालु हैं वो गेट के बाहर ही अपना श्रद्धा पूजा कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि कुछ कामाख्या धाम गहमर में जो स्थित है मंदिर कुछ ऐसा भी। ये जो है श्रद्धालुओं के लिए कामाख्या मंदिर के अंदर बैठने की व्यवस्था बनाई गई है विश्राम करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी साफ सफाई और सुंदरीकरण बहुत अच्छा है। तो इधर सब जितने भी श्रद्धालु आते हैं देवी जी का पूजा करने के लिए वो यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं और बैठते हैं, आराम करते हैं, फिर उसके बाद पूजा वूजा करके अपने घर को जाते हैं। ऐसा आप लोग देख सकते हो कि मंदिर का आज मेन द्वार बंद है तो हम लोग आए थे बहुत दूर से देवी जी का दर्शन करने के लिए, पर दर्शन नहीं हो पाया। पर आप लोग को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, उनकी अंदर का व्यू कुछ ऐसा है। तो गाइस, मैं देवी जी का दर्शन नहीं करा पाया, इसके लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। इस मंदिर में दो कपाट था, मतलब दो दरवाज़ा था, दोनों ही दरवाज़ा बंद है, तो देवी जी का दर्शन नहीं हो पाया। इसके लिए मेरे को बहुत दुख हुआ। तो हम लोग मंदिर का बस टूर करेंगे, मंदिर को घूमेंगे और मंदिर को घूमने के बाद फिर हम लोग अपने घर को जाएंगे। तो आप लोग को गाइस दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इधर आप लोग देख सकते हो पहाड़ जैसा बनाया हुआ है, उसके ऊपर शेर जी है। ये शेर जो है एक नंबर का डिज़ाइन में बनाया गया है। तो आप लोग देख सकते हो कि पीछे श्रद्धालु भी लोग हैं अपना, और इधर एक त्रिशूल भी है बहुत बड़ा सा। तो आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो कि इधर एक पहाड़ के ऊपर त्रिशूल भी लगा है। तो गाइस, मेन कपाट तो बंद है, तो हम लोग जा रहे हैं अब मंदिर से बाहर, और मंदिर से बाहर जाकर देखते हैं कोई तालाब है, उस तालाब को विजिट करके आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं मंदिर से बाहर, क्योंकि मेन द्वार बंद है। आप लोग देख सकते हो कि इधर आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो कि ये छोटा सा मंदिर भी है। जो मेन मंदिर था उसका दरवाज़ा बंद है। तो मैं मंदिर से मेन गेट से बाहर निकलने वाला हूँ, और मेन गेट से निकलकर अपना सैंडल पहनूंगा, और सैंडल पहनने के बाद आपको तालाब दिखाने का प्रयास करता हूँ। दान लोग भी करते हैं, तो इधर कुछ गरीब लोग भी बैठे हुए हैं, तो उनको कुछ लोग हैं जो दान कर रहे हैं, अपना खिला पिला रहे हैं। और इस मंदिर पे शादी विवाह भी होता रहता है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो इधर भोजनालय और मिठाई का दुकान है। तो गाइस, घूमते घूमते हमें प्यास लग गई है, तो पानी न पीकर हम लोग मैंगो जूस पीने जा रहे हैं, और मैंगो जूस पीकर अपना प्यास बुझाएंगे। गाइस, हम मैंगो जूस लेके जा रहे हैं पीने, और पीने के बाद फिर ब्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। तो गाइस, मैंगो जूस पीने के बाद हम लोग जा रहे हैं, कोई एक इधर फेमस पोखरा है, उसकी तलाश में घूम रहे हैं, और उस पोखरे को हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, लगता है कि खोजते खोजते मिल गया, यही सामने ही है। तो गाइस, एक कामाख्या धाम में एक छोटा सा पोखरा है, इस पोखरे को आपको दिखाने के लिए उतना दूर से मैं घूमते घूमते आ गया। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि जो पोखरा मैं दूर रहा था कभी से, ये वो पोखरा यही है। तो इस पोखरे को मैं कभी से दूर रहा था। तो कामाख्या धाम के अंदर ही ये पोखरा बना हुआ है, तो मैं आपको वो पोखरा दिखा दिया। तो गाइस, हम घूम रहे थे कामाख्या धाम मंदिर के अंदर में, तभी यहाँ पे कुछ श्रद्धालु बैठे हुए थे जो हमें देखकर बुलाए और कुछ बताना चाहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि इस गहमर में क्या अच्छी बातें हैं? गहमर पहले तो एशिया का सबसे बड़ा गांव है। तो आप बताएं, आप खुद गूगल पे देख लीजिए क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे सैनिक पाए जाते हैं, और यहाँ पे सबसे पूर्वांचल का सबसे बड़ी मंदिर है, माँ कामाख्या का मंदिर है, जो जहाँ पाए हुए हैं। बहुत ही बढ़िया मंदिर है, बड़ी बढ़िया। नवरात्रि में बहुत बड़ा ज़्यादा भीड़ होता है। तो गाइस, ये दोनों भाइयों से कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो बताइए, आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है पल्लू सिंह। इनका नाम है पल्लू सिंह। तो इनसे कुछ जानते हैं कामाख्या धाम के बारे में। तो आप बताइए, कामाख्या धाम क्यों फेमस है? फेमस है वहाँ से आए हैं, फतेहपुर सिकरी से सारे लोग आए हैं, और ये सिकरवारों की कुल देवी है जी। तो गाइस, ये गहमर का जो है बहुत फेमस मंदिर है, और यूपी बिहार वालों के लिए ये कुल देवी है। यहाँ जितने भी यूपी बिहार वाले हैं अपना कुल देवता मानते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इधर कुछ पूजा का सामान भी बिक रहा है, कुछ हाथ में पहनने वाले, कुछ रिंग उंग भी बिक रहे हुए हैं। तो मेरे साथ जो भैया आए हुए हैं, जोगिंदर भैया, उनको एक ब्रेसलेट पसंद आ गया, वो ब्रेसलेट लिए हैं और लेकर अपने हाथों में ट्राई कर रहे हैं, और पैसा देके फिर हम लोग चलते हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि इधर इस मंदिर के अंदर कितनी सारी दुकानें हैं, जिस पे प्रसाद और चुनरी वितरण हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि एक लाइन से ही इधर पे सारी दुकानें हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना इसका खूबसूरत नज़ारा है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि जो पीछे सारी दुकानें हैं सभी पे प्रसाद चुनरी मिलता है जो माता जी के मंदिर में चढ़ाया जाता है और सभी लोग जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो लेकर जाते हैं, चुनरी प्रसाद चढ़ाते हैं और अपने मन्नतें मांगते हैं और फिर अपने घर को जाते हैं। तो गाइस अब हम इस मंदिर से बाहर जाने वाले हैं और बाहर जाकर अपने घर को प्रस्थान करने वाले हैं। तो गाइस आप लोग मंदिर से बाहर निकलने के बाद आप बाहर कुछ नाश्ता पानी कर सकते हो क्योंकि बाहर ही होटल और भोजनालय बना हुआ है, तो आप लोग खा पी सकते हो। तो गाइस हम जा रहे हैं मंदिर से अब घर के तरफ और घर के तरफ जाके आराम करेंगे और अगले ब्लॉग की तैयारी करेंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं अगले सफ़र में।